जेके 247 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि एक बड़ी अच्छी खबर सामने आ रही है विजयपुर के लोगों के लिए और उसी के साथ साथ उत्तर बैनी प्रमंडल और गुड़ा सलाथिया के लोगों के लिए कि अब रेलवे फाटक विजयपुर पर जल्द जो है रोड ओवर ब्रिज बनने जा रहा है, जिसका आज फाउंडेशन स्टोन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल मोड पर कर दिया है। ये रोड ओवर ब्रिज जो कि 50 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा और ये जनता को समर्पित किया जाएगा। क्योंकि आपको बताते चले कि जिस तरह से रेलवे फाटक विजयपुर की बात करें तो ये अक्सर चर्चाओं में रहता है, ये फाटक अक्सर बंद रहता है और यहाँ के तमाम एडजॉइनिंग लोगों की एडजॉइनिंग एरियाज के लोगों की बात करें उन्हें काफी दिक्कतें पेश आती थी, उनको लंबा इंतजार करना पड़ता था, अभी भी इंतजार करना पड़ता है क्योंकि फाटक बंद रहता है और लोग अपने कामकाज पर वक्त पर नहीं पहुंच पाते, स्कूल कॉलेज जाने वाले छात्र छात्राएं वक्त पर नहीं पहुंच पाते, एग्जाम वक्त पर नहीं दे पाते और बड़ी दिक्कत यह है कि पेशेंट जो अस्पताल पहुंचाना होता है वो भी वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंचता और कई बड़ी इमरजेंसी जो है उनको उस समय फेस करनी पड़ती है जब यहां पर इंतजार करना पड़ता है कि ट्रेन निकलेगी, फाटक खुलेगा तो तब हम कहीं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो अब ये दिक्कत से निजात मिलेगी। इस दो दिन पहले खबर सामने आई थी कि जल्द यहां पर रोड ओवर ब्रिज बनेगा रेलवे फाटक विजयपुर में, जिसकी जानकारी रेलवे मिनिस्ट्री ने दे दी थी अश्विनी वैष्णव जी ने, और उसी के साथ साथ सांसद युगल किशोर शर्मा जी को एक चिट्ठी आती है केंद्र सरकार की यानी रेलवे मिनिस्ट्री की कि आपकी इस मांग को मान लिया गया है और अब यहां पर रोड ओवर ब्रिज बनेगा। तो आपको बता दें कि आज शुभघड़ी आई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्चुअल मोड पर इस रेलवे फाटक विजयपुर में बनने वाले रोड ओवर ब्रिज का आज फाउंडेशन स्टोन रखा। 50 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड ओवर ब्रिज बनकर तैयार होगा। अब लोगों को यहाँ नहीं रुकना पड़ेगा, वो इंतजार अब लोग नहीं करेंगे और अपने डेस्टिनेशन पर वक्त पर पहुंचेंगे, स्कूल कॉलेज छात्र छात्राएं वक्त पर पहुंचेंगे, हर काम वक्त पर होगा, ट्रेनें आती रहेंगी जाती रहेंगी, आपको किसी तरह की कोई दिक्कत अब परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी। ये बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है विजयपुर उत्तर बैनी प्रमंडल और गुड़ा सलाथिया के लोगों को दे दी है और लोगों ने इस बात पर प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त किया है। इसकी पूरी जानकारी सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने दी है और तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं रेलवे फाटक विजयपुर की। यही फाटक है जो अक्सर चर्चाओं में रहता है। तो ये अच्छी खबर, एक बड़ी सौगात देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार फिर से दे दी है और इसी तरह से विकास कार्य होते रहे तो लोगों को लगता है कि वाकई में केंद्र सरकार बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो ये अच्छी खबर सामने आई है विजयपुर गुड़ा सलाथिया उत्तर बैनी और पूर्वमंडल के लोगों के लिए कि विजयपुर रेलवे फाटक पर बनने वाला रोड ओवर ब्रिज, जिसका आज फाउंडेशन स्टोन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रख दिया है, 50 करोड़ रुपए की लागत से ये रोड ओवर ब्रिज बनकर तैयार होगा। फिलहाल के लिए ऋषि खजुरिया जेके 247 न्यूज के लिए। पांच एम्स, 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहे हैं। योजना के अंतर्गत भोपाल का रानी कमलापति से जल दुनिया की तीसरी नक्शा नहीं है उसको।